संसाधन से जुटता है, तो क्या राहुल जी की इतनी भीड़ तो नहीं थी? इतना भीड़ होना चाहिए उनके संसाधन कांग्रेस के। मेरे भाई ऐसा है, यात्रा सब करने के लिए स्वतंत्र है, राहुल जी करे, नीतीश जी करे, तेजस्वी जी करे, कौन रोक रहा है? यात्रा करने मात्र से ही अगर सब कुछ हो जाता तो देश में तो रोज कोई ना कोई यात्रा चल रही है। अब राहुल जी ने यात्रा की, उसमें उन्होंने कितना भीड़ आया नहीं आया, इन सब बात को हटा दीजिए। राहुल जी की पार्टी के कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री अभी तेलंगाना में बने 2 महीना पहले, जब भी अभी जुमा जुमा नया नया नेता बने, बनते के साथ कहा कि बिहार के लोगों का डीएनए है मजदूरी करना। तो जिस दल के नेता राहुल गांधी हैं, उस दल का मुख्यमंत्री बिहार के लोगों को एक तरह से गाली दे रहा है, कह रहा है कि हम लोग का डीएनए है मजदूरी करना, उसी दल के नेता राहुल गांधी आकर बिहार में कहेंगे कि सारे बिहार के लोग हमको समर्थन दीजिए, हमको वोट दीजिए, तो कौन बिहार का आदमी उन पर भरोसा करेगा और क्यों करेगा? भाई तुम्हारा मुख्यमंत्री बिहार के लोगों को गाली दे रहा है, उस वक्तव्य पर आपने बिहार आने से पहले कुछ आधिकारिक तौर पर कहा नहीं, तो क्यों बिहार के लोग उनके साथ जुड़ेंगे? आप हमको गाली भी दीजिएगा और हमसे वोट भी लीजिएगा, दोनों बात कैसे हो सकता है? बिहार में राहुल गांधी की जीत कैसी अलग चला रहे थे, क्या विधान चुनाव उनकी गाड़ी जीप को जनता रास्ता देगी? मेरे भाई तेजस्वी यादव जीप चला ले कि ट्रक चला ले, उनको कुछ नहीं होने वाला है। ये सब पिटा पिटाया बहुत दिन हो लिया, जनता ने देख लिया है। अब जो अपना समीकरण वगैरह है उसी के आधार पर, बाबूजी का दल है लालू जी का, उनका नाम है कुछ, उस समाज के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उसके आधार पर अपना दुकान चला रहे हैं, उनको कुछ दिन और चलाने दीजिए। वो जीप चला ले, ट्रैक्टर चला ले, हेलीकॉप्टर चला ले, होना कुछ नहीं। कई लोगों को लगता है कि आरजेडी यहाँ बहुत बड़ा मजबूत दल है, आप लोग ये नहीं देखते हैं कि आरजेडी का कभी वो स्थिति था कि बिहार झारखंड में 54 में 51 एमपी आरजेडी के थे, लालू जी की इतनी तूती बोलती थी। आज बिहार झारखंड को मिला लीजिए तो आरजेडी का 0 सांसद है, 0। और आप लोगों को लगता है कि जनता बेवकूफ है, जनता तो लालू जी को ही वोट किए जा रही है। अरे भाई, जब जनता आरजेडी को वोट करती थी तो उनके 54 में 51 एमपी थे, और अगर आज जनता वोट नहीं कर रही है तो उनके 54 में 0 एमपी है। कांग्रेस के कभी 400 एमपी थे, आज 50 एमपी है। आप दल बनाइएगा अगर आज, और आपके 50 एमपी हो जाए तो आप बहुत बड़े नेता हो जाइएगा, लेकिन जब कांग्रेस का 50 एमपी है तो लोग क्या कहते हैं? कांग्रेस खत्म हो रही है। तो उसी तरीके से आरजेडी जितने बड़े पोजीशन पर बिहार में थी, कई बार लोग ये समझते हैं इनका 75 एमएलए है। अरे भाई, आरजेडी यहाँ की सबसे बड़ी, यहाँ का बिहार का सबसे बड़ा दल होता था, 15 साल उन्होंने यहाँ शासन चलाया है। वहां से घटते घटते अगर आप 74-75 पर आ गए हैं तो आप ढलान पर हैं, आप नीचे आ रहे हैं, आप बढ़ नहीं रहे हैं। इस बात को आप समझिए, इस बात को आप समझिए। नीतीश कुमार कभी 117 विधायक के पार्टी के नेता थे, आज 42 विधायक के एमपी के एमएलए के नेता हैं, तो वो घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि अभी भी 42 विधायक है, लेकिन वो ढलान पर है, चढ़ान पर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भाजपा।